हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लवली गार्डन। कैसे हैं आप, आए हो बच्चे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं बोगनविलिया पे ज़्यादा फूल पाने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही आसान तरीके से भी हो जाएगा। तो गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। गाइस, बोगनविलिया समर का बहुत ही हार्डी फ्लावर प्लांट है। अगर इसे विंटर में, जहाँ पे विंटर बहुत कम रहती है वहाँ पे ये जब लगाया जाता है, तो ये विंटर में भी कभी कभी फ्लावरिंग कर देता है और ये 12 महीने खूब अच्छे से फूल देता है और बहुत ही कम केयर मांगने वाला प्लांट है। इसे ज़्यादा हम लोग जब घर के बाहर लगा देते हैं तो ये खूब अच्छे से फ्लावरिंग वगैरह करता है। इसे कोई भी केयर की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर वही हम गमले में लगाते हैं तो इसको थोड़ी केयर की ज़रूरत हो जाती है, पानी की, फर्टिलाइज़र की, गुड़ाई की और कटाई छटाई की। तो मुझे तो बोगनविलिया के बहुत बड़े प्लांट अच्छे नहीं लगते हैं गमलों में, कुछ छोटे ही लगते हैं, जैसे कि थोड़ा सा ट्री टाइप उसका सेफ हो जाए और उसमें खूब अच्छे से फ्लावरिंग हो तो ये देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। इसका बोनसाई भी बहुत ही बेहतर बनता है, पर मुझे बोनसाई में कोई खासा इंटरेस्ट नहीं है, तो इसलिए मैं कभी किसी प्लांट पर बोनसाई बनाने की कोशिश नहीं की हूँ। और बोगनविलिया में फर्टिलाइज़र देने का जो तरीका है वो ये है कि जब भी आप बोगनविलिया को फर्टिलाइज़र दीजिए तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि इसमें आप ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ ना करें। मतलब कि एक्साइटेड होकर कि अगर आपका बोगनविलिया अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है और फ्लावरिंग किसी ब्रांच की ख़त्म हो गई, फिर ये फूल के लिए आने, इस पर फूल आने वाले हैं, तो आप इस पर ज़्यादा फर्टिलाइज़र ऐड कर दें या फिर जल्दी जल्दी फर्टिलाइज़र दें, तो इससे क्या होगा कि आपके बोगनविलिया में पत्ते अधिक आएंगे और फूल की क्वांटिटी कम हो जाएगी। जिन बोगनविलिया पे पत्ते अधिक होते हैं उनमें फूलों की संख्या बहुत कम होती। मैंने इसमें बनाना के छिलके बहुत ज़्यादा डाल दिए थे, मैंने इसको ना बस मल्चिंग के लिए डाला था, लेकिन मैं भूल गई थी कि मल्चिंग के साथ साथ एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र भी है। तो ये देखिए, इसमें फूल तो बहुत ही कम है मगर पत्ते बहुत ही ज़्यादा हैं, और बोगनविलिया में फूल जब आते हैं तभी ये अच्छा लगता है। हालांकि अभी इसमें फूल आने स्टार्ट हो रहे हैं, पर इसका मुझे सेब बहुत ही प्यारा लगता है। और ये वाला प्लांट आप देख सकते हैं कि इसमें पत्तों की संख्या कम है और फूल बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि मैंने इसमें फर्टिलाइज़र है वो मैंने महीने में 2 बार डाले थे, 15-15 दिन पे, जब मैं गुलाब में फर्टिलाइज़र डाल रही थी गोबर वाला, तो मैंने इसमें वही डाल दिया था। प्लस ये दोनों जब प्लांट आए थे तो बड़े ही ऐसे कंडीशन में थे कि मुझे नहीं लग रहा था कि ये बच जाएंगे, हालांकि बच गए सेडी एरिया में रखने से। काली मिट्टी में लगे थे, रूट बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई थी, कुछ छोटी रूटें थी जो कि बची ही हुई थी, जो कि अपना काम कर गई, और ये प्लांट दोनों बहुत ही जल्दी ये अपना ग्रो कर जाते हैं, इसमें फ्लावरिंग आने लगती है। बहुत ही छोटे प्लांट होते हैं तभी इस पर फ्लावरिंग आने लगती हैं। दूसरा जो है, जो कि इसके फूलों को ज़्यादा प्रभावित करता है, वो है पानी। पानी बोगनविलिया को ज़रूरी होता है, बट उतना नहीं कि इसकी मिट्टी बहुत ही गीली गीली सी रहे। देखिए, कुछ इस तरीके की मिट्टी बनाकर रखनी है आपको, और ज़्यादा गीली मिट्टी इस प्लांट के लिए अच्छी नहीं होती है। और इसमें आप देख ही सकते हैं कि कांटे होते हैं, और तो जब भी आप पानी दें तो बहुत कम क्वांटिटी में दें। और ये जो मेरा ड्रेनेज सिस्टम है, इसका मैंने इतना अच्छा बनाया है कि मैं, आप जब प्लांट लगाती हूँ गमले में तो मैं बहुत ही इतना मिट्टी के भरने से पहले मैं थोड़ी सी मिट्टी डालती हूँ, उसके बाद सूखे पत्ते, उसके बाद ये मिट्टी डालती हूँ जो कि तैयार करते हैं हम लोग सैंड वगैरह मिलाकर, तो वो डालती हूँ। तो इससे 2-3 फ़ायदे होंगे आपको। एक तो जो आपके गमलों के नीचे से मिट्टी निकलती रहती है थोड़ी थोड़ी, वो नहीं निकलेगी। दूसरा, आपका ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही अच्छा रहेगा। तीसरा, कि ये जो पत्ते वगैरह हैं डीकम्पोज हो जाएंगे तो आपके प्लांट के लिए फर्टिलाइज़र का काम करेंगे। दोनों प्लांट साथ ही लगे थे और रिज़ल्ट आप देख सकते हैं कि कितना फ़र्क है दोनों में। तीसरा जो इसका ज़्यादा फूल पाने का टिप्स है वो ये है कि इस प्लांट में
इस प्लांट की कटाई छटाई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। जैसे कि अब ये फूल जब ख़त्म हो जाएंगे तो इनकी जो ये वाली ब्रांच है ये बची रहेंगी, तो इसको हटाना बहुत ही ज़रूरी है। प्लस इसको एक अच्छा सा शेप देने के लिए भी कटाई छटाई करनी चाहिए। और बोगनविलिया का जो प्लांट होता है वो गमले में कुछ एक दो फुट या तीन फुट का ही अच्छा लगता है, अगर हम उसे काट छाट कर कोई अच्छा सा शेप दें तो। और इसका बोनसाई भी बनाया जा सकता है, जिन लोगों को बोनसाई से बहुत लगाव है। और अगला जो मेरा केयर टिप्स है वो ये है कि ये फुल सनलाइट का फ्लावर प्लांट है और इसे सनलाइट बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो आप किसी शेडी एरिया में रखकर ये मत सोचिएगा कि ये अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। मेरा एक इसके अलावा एक और बोगनविलिया जिसको कि मैंने विंटर में ऐसी जगह पर रख दिया था, जैसे विंटर स्टार्टिंग होने के महीनों में ऐसी जगहों पर रख दिया था जहाँ पे धूप नहीं आती थी और वो फ्लावरिंग नहीं कर रहा था। जैसे ही मैंने वहाँ से हटाकर उसकी जगह को बदल दिया जहाँ उसे 10 बजे के बाद से दिन के 4 बजे तक की धूप मिलने लगी, तो वो खूब अच्छे से फ्लावरिंग करने लगा। और अगला मेरा जो टिप्स है वो ये कि मैंने तो अभी बताया आपको फर्टिलाइज़र कैसे इसमें डालना चाहिए, मतलब 15 दिन पर आप कोई सा भी फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं तो उसकी क्वान्टिटी कम करके डालिए, 15 दिन पे महीने में एक बार इतना ही फर्टिलाइज़र आप डालिए। रोज़ रोज़ फर्टिलाइज़र इसमें अच्छा नहीं होता है, महीने में सॉरी हफ्ते हफ्ते पे भी नहीं अच्छा होता है, या फिर 10-10 दिन पे भी अच्छा नहीं होता है। अगर आप फर्टिलाइज़र गर्मियों के दिनों में डाल रहे हैं तो बहुत कम क्वांटिटी में डालिए। और अब बात कर लेते हैं कि इसमें फर्टिलाइज़र हम कौन कौन से डाल सकते हैं। हम इसमें बोन मील डाल सकते हैं जो कि फ्लावर प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। गोबर और गोबर से बनी कोई सी भी फर्टिलाइज़र को हम इस प्लांट में डाल सकते हैं, लिक्विड और या फिर जो भी पाउडर के रूप में होती है, कंडे के रूप में होती है, कुछ भी। इसके अलावा केले से बनी हुई खाद को डाल सकते हैं, बनाना पील फर्टिलाइज़र, या फिर छिलके को ऐसे ही मिट्टी में दबा सकते हैं। अनार संतरे का छिलका जो होता है उसको भी हम इसमें डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा काम करता है। इसके अलावा जो भी हमारे घर में जो भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हम लोग बनाते रहते हैं, वुड ऐश में थोड़ी सी काली मिर्च को मिलाकर हम डाल सकते हैं, पर वुड ऐश बहुत कम क्वांटिटी में डालें इन दिनों में। ये सारी चीज़ें हम इनमें डाल सकते हैं। और जो भी आपका ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है जो कि आप इन दिनों में समर में इस्तेमाल करते हों फ्लावर प्लांट के लिए, उसे आप डाल सकते हैं, बहुत कम क्वांटिटी में, महीने में एकाध चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं। और रही बात इसको फुल सनलाइट में रखिए, अगर आपके यहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई है तो आप इसे ग्रीन नेट में भी रख सकते हैं, क्योंकि अभी जो मई से लेकर जब तक बारिश नहीं होती है, बारिश के बाद का भी जब बारिश रुक जाती है तो मौसम काफ़ी गर्म होता है, तो इन दिनों का जो टेम्परेचर होता है बहुत ही हाई होता है। ग्रीन नेट में रखे हुए प्लांट भी उससे बच नहीं पाते हैं, मतलब उनको प्रॉपर धूप मिलती रहती है, तो आप इस चीज़ को देख लीजिए और इस तरीके से केयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा फूल आएंगे। आपका कोई सा भी बोगनविलिया जो कि झाड़ की तरह हो गया है, बहुत लंबी लंबी ब्रांचेस हो गई हैं, फूल नहीं आ रहे हैं, पत्ते ज़्यादा हो गए हैं, वो हेल्दी तो हैं पर फूल नहीं दे रहा है, तो ऐसे प्लांट को आप प्रून कर दीजिए। प्रूनिंग के लिए बोगनविलिया आप इन दिनों में भी प्रूनिंग कर सकते हैं, गुड़ाई कर दीजिए, उसमें पानी पहले डालिए, फिर शाम के टाइम कोई सा भी एक हल्का फर्टिलाइज़र ले लीजिए, चाहे आपका ऑर्गेनिक है या फिर केमिकल है, उसके आधे चम्मच को आप मिट्टी में चारों तरफ मिला दीजिए, या फिर जो लिक्विड फर्टिलाइज़र आप अगर डालना चाहते हैं तो उसे मिलाकर शाम को मिलाइए, ताकि एक पूरा 12 घंटा का जो रात का समय होता है उस प्लांट को मिल जाए, ताकि वो फर्टिलाइज़र की जो स्टार्टिंग की गर्मी है वो बर्दाश्त कर सके थोड़ी बहुत जो भी है। तो प्रून करने के बाद फर्टिलाइज़र देना बहुत ही ज़्यादा होता है, ताकि प्लांट अच्छे से रिकवर कर सके, अच्छे से उसकी ग्रोथ हो सके। ये सब करने के बाद आपका प्लांट 100% अच्छे फूल देगा। मेरा भी एक प्लांट है जो कि मैं प्रून करने वाली हूँ, पर मैं सोच रही हूँ कि इन दिनों में ना करूँ, आगे चल के करूँ या फिर ऐसे ही छोड़ देती हूँ, क्योंकि अभी तो उस पर मुझे कुछ कलियां दिख रही हैं पर ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं। और बोगनविलिया के जो भी फ्लावर प्लांट होते हैं बहुत हैवी फ्लावरिंग वाले होते हैं, तो
और जिस तरीके से मैंने केयर टिप्स बताई हैं, अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तो होप करती हूँ गाइस आपको ये मेरा वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। ये मेरे जो भी केयर टिप्स थे वो बोगनविलिया पे ज़्यादा फूल पाने के लिए थे, कि किस तरीके से इन सारे बातों को जानकर समझकर और इन पे अप्लाई करके बहुत ही ज़्यादा इन पे फूल पाए जा सकते हैं। तो बाय, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।